अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरनेट का यूज करते हो तो तुमने इंटरनेट पे देखा होगा कि ऐसे नए नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है, रेड पिल, ब्लू पिल, ब्लैक पिल, जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। चिंता मत करो, आई एम गोइंग टू टेल यू सारी पिल्स क्या क्या होती हैं, सारी आइडियोलॉजीज एक ही वीडियो में बताऊंगा। मैं बाकी भी लोगों की तरह नहीं हूँ कि अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ व्यूज बटोरने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये पिल्स हैं क्या, ये पिल्स आइडियोलॉजीज हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा पॉलिटिक्स में लेफ्ट विंग, राइट विंग, लिबरल, कंजर्वेटिव, ये सब होते ना, ये आइडियोलॉजीज होती है। वैसे ही अपने फिटनेस में एक आइडियोलॉजीज का कंपस बना हुआ है जिसमें आती है रेड पिल, ब्लैक पिल, ब्लू पिल। ये मेजर तीन पिल्स हैं, इनके अलावा व्हाइट पिल रहती है, पिंक पिल रहती है, ग्रीन पिल रहती है, अलग अलग तरह की पिल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू पिल के बारे में। ब्लू पिल इज द मोस्ट बेसिक पिल। ब्लू पिल वही पिल है जो कि नॉर्मल जिंदगी में तुम देखते हो लोगों को। तुमने देखा होगा लड़कियों के इंस्टाग्राम के बायो होते हैं ना, बी योर सेल्फ, जस्ट बी यू, ऐसे वाली जो आइडियोलॉजीज होते हैं इनकी। तो कहते हैं जो है वो है, चलने दो जैसा चल रहा है वो अच्छा है, ये होती है ब्लू पिल। कुछ चीजें हैं इसमें कि तुम अपने आप को पहचानो, खुश रहो जो है तुम पे उसमें ही, वो थोड़ी अच्छी चीज है। पर अल्टीमेटली ये जो ब्लू पिल है ये तुम्हें उस तरह फोर्स कर देती है कि तुम मेहनत ना करो, जो कि एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग से याद आया दूसरी जो पिल है, दूसरी पिल है रेड पिल। ये तुम्हें बताता है कि तुम अपनी लाइफ को कैसे बना सकते हो। अगर तुम टूटे हुए हो ना पूरे, तो अपने टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर कैसे वापस लगा सकते हो। रेड पिल बेसिकली कहता है मेहनत करो, जो है सो है, अब उसमें ही मेहनत करो, उसे मैक्सिमाइज कर लो, उसे बेस्ट बना लो। दिस इज वॉट द रेड पिल सेज। इट्स लाइक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो तुम भी कुछ उखाड़ सकते हो। ये बेसिक मोटिवेशन संदीप महेश्वरी वाली पिल है। तुम्हारे पास जो भी है वो है, तुम उसे ही बेस्ट बनाओ। रेड पिल अपने आप को कहते हैं कि तुम इम्प्रूव करो। पर अब रेड पिल में भी अलग अलग तरह की बन जाती है। एक टॉक्सिक रेड पिल हो जाती है, एक नॉर्मल रेड पिल रहता है, इसमें भी अलग एक्सट्रीमिटीज है। इट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पिल, तुम्हें बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिवनेस है और तुम उसे कैसे फार्म कर सकते हो, उसे कैसे बना सकते हो। रेड पिल बेसिकली वही पहले जो कि मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, मेजर पार्ट जिसका लो, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लैक पिल के ऊपर। ब्लैक पिल इज द मोस्ट टॉक्सिक पिल, वन ऑफ द मोस्ट। एक टाइम तक ब्लैक पिल सही होती है, उसके बाद अगर तुमने ब्लैक पिल लेनी चालू कर दी ना, तो भाई तुम अपनी मेंटल हेल्थ को खत्म कर लोगे एकदम। ब्लैक पिल में बेसिकली होता क्या है कि वो बताते हैं कि भाई जो है वो है, उससे बेटर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सबसे घटिया आइडियोलॉजी है ब्लैक पिल की, जो मेरे को लगती है। ब्लैक पिल कहती है कि जो तो है तुम्हारे लुक्स हैं, अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लोगों ने इंटरनेट पे ऐसा बना दिया है कि अगर तुम्हारी जो नाक है भाई इतनी होनी चाहिए, तुम्हारा जो रेशो है ये इतना होना चाहिए, तभी तुम्हें लड़की मिल पाएगी, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे, तभी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। और फिर ये लाइक स्टैट्स रखेंगे, पूरा तुम्हें समझाएंगे कि ये होता है और इसी से। और जब तुम इनकी वीडियोस वगैरह देखोगे ना, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वो लगेंगे, भाई तो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। पर तुम्हें पता नहीं चलता कि धीरे धीरे ब्लैक पिल जो होती है तुम्हें ब्रेन वॉश कर देती है। ब्लैक पिल एक हद तक ठीक है, पर उसके बाद फिर वो तुम्हें मेंटली अंदर से ख़राब करती है। लुक मैक्सिंग और ब्लैक पिल में फ़र्क है। लुक मैक्सिंग में बेसिकली क्या करते हो, तुम जितने अच्छे दिख सकते हो ना, तुम उतने अच्छे दिखते हो। एंड ब्लैक पिल तुम्हें कंपैरिजन करवाता है। बंदे अपने आप को ऋतिक रोशन से कंपेयर करते हैं, फिर कहते हैं यार मेरे पे है ही नहीं, उस चक्कर में रो रहे बंदे। ब्लैक पिल इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कि भाई जो है वो जेनेटिक पूल में ही है, अगर तुम जेनेटिक पूल में अच्छे एंड पे लाए नहीं करते तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बेसिकली फक्ड अप हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही नाइलिस्टिक आइडियोलॉजी है ब्लैक पिल की साइड से। जहां तक मेरा मानना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम सब में से थोड़ी थोड़ी पिल लो, ठीक है। ब्लू पिल की वो आइडियोलॉजी ली कि तुम अपने आप की आइडेंटिटी पर ज़्यादा फोकस करो, बी और सेल्फ वाली। पर बी और सेल्फ का ये मतलब ये नहीं है कि तुम अगर लाइफ में एकदम बकवास उस पर चल रहे हो उसी पे ही चलते रहोगे, फिर तुम्हें रेड पिल अपनानी पड़ेगी। अपने आप को मोटिवेट करना होगा, अपने आप में मेहनत करनी होगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। और फिर ब्लैक पिल बहुत मैटर करता है इन टू इम्प्रूव योर लुक्स, यू ऑब्वियसली नीड योर लुक्स। कौन सी बंदी भाई मेरे को सही बताओ गधे को डेट करना चाहिए, मेरे जैसे गधे को कौन डेट करेगा अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूँगा। लाइक एवरी वन नीड्स एन इंसेंटिव। कोई यूट्यूब पर वीडियो क्यों बना रहा, कोई फ्री में तो बनाएगा नहीं, मोटिव रहेगा ना, जिसका भी बनाने का वीडियो रहेगा उसका मोटिव तो रहेगा। इंसेंटिव चाहिए लोगों को। मेरे को इंसेंटिव क्या मिलता है, मेरे को खुशी मिलती है उनसे, वो इंसेंटिव है मेरे को। मेरे को लोग बताते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा है, मेरे को उससे डोपामिन रिलीज होता है, मेरे को उससे इंसेंटिव मिलता है।
अब अगर लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है तो उसे भी इंसेंटिव चाहिए, उसे भी वैल्यू चाहिए। वो एक लुक्स मैटर करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें भी चाहिए भाई ढंगी देखने वाली लड़की, ऑब्वियसली इट्स प्रेफरेंस राइट, तो तुम्हें भी वो एक इंसेंटिव चाहिए ना, दे कैन एक्सपेक्ट द सेम। सो फॉर दैट यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ। पर फिर इतना नहीं करना है ना भाई कि तुम रो रहे हो तुम्हारी नाक निकली हुई है, तो भाई तुम प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो, 80% तुम्हारा प्लास्टिक है, बिस्लरी की बोतल से ज्यादा प्लास्टिक है तुम्हारे मुंह पे, उसका कुछ फिर मतलब नहीं बनता भाई। इट जस्ट मेक्स यू इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड और तुम्हें अंदर से तोड़ देता है वो। क्योंकि जो बंदा अगर अंदर से शक्तिशाली नहीं है भाई, वो बाहर कुछ नहीं कर सकता। सही बता रहा हूँ। सो दिस वॉज इट। तुम बताओ मेरे को कि तुम किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो और किसे नहीं करते। अगर तुम किसी मेरी बात से डिसअग्री करते हो तो लेट मी नो। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया भाई मेरा, बहुत थैंक यू तुम लोगों को। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अब भाई चलो मेहनत करो जाकर, मैं तो चला यहाँ से।